हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक ऐसे प्राइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अगर विज्ञान का ऑस्कर भी कहें तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं और इस साल 2023 के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो आइए जानते हैं नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में और इन साइंटिस्ट की उपलब्धियों के बारे में जो कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये ली पिक्चर ली गई है बुलेट ट्रेन की जब वो अपनी हाईएस्ट स्पीड पर होती है। आप देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन की इस हाई स्पीड पर पिक्चर लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब जानिए उस पार्टिकल के बारे में जिसे हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते, छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, पर वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो जब हम बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड पे पिक्चर लेना इतनी डिफिकल्ट हो सकती है, तो मानिए कि वो कितना डिफिकल्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन के पिक्चर लेना। तो जी हाँ, यही हमारे साइंटिस्ट ने कर दिखाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या पिक्चर लेने की कोशिश की है और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन इतना ज़रूरी है हम सबके लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि हमारे घरों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में फ्लो करता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये बुलेट ट्रेन से कई गुना ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करता है। ये नियरली लाइट की स्पीड पे मूव करता है। ये है वैल्यू लाइट की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर जो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, इतनी हाई स्पीड पे जिसे हम देख भी नहीं पाएंगे, जिसे हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल भी है उस इलेक्ट्रॉन को महसूस कर पाना, उसको कैप्चर कर पाना या पोजीशन को जान पाना? तो ये फिजिक्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें इन तीन साइंटिस्ट ने ये काम जो है, तो इन तीन साइंटिस्ट ने करके दिखाया है। आइए इससे पहले हम जान लेते हैं नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, अल्फ्रेड नोबल जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, उनके नाम पे नोबेल प्राइज पड़ा है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। उन्होंने एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस एक्सप्लोजिव का इन्वेंशन किया था जिसका नाम है डायनामाइट, और एक और कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइसेज जैसे कि ब्लास्टिक कैप का भी उन्होंने इन्वेंशन किया था। इसके बाद उनके पास इतनी ज़्यादा संपदा आ गई थी कि ये किसी उत्तराधिकारी को देने की बजाय उन्होंने इस पैसों का किसी फाउंडेशन को देना चाहा जो कि ऐसे इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स को अवार्ड दे जो कि मैनकाइंड की भलाई के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया 10 दिसंबर 1901 में, और इसमें 5 जो है कैटेगरीज को सिलेक्ट किया गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को अवार्ड को जो है अचीव किया था, तो फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ को अचीव किया था विलहेम रोन्टजन ने जो कि जर्मनी के थे, और उन्होंने एक्सरे में जो है नोबेल प्राइज़ को जीता था। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है वॉन्टहॉफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर रिसर्च किया था जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में एमिल एडोल्फ वॉन वेरिंग को मिला था जो कि पोलैंड के थे, और लिटरेचर में फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला था सुली प्रुंधोम को मिला था जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। पीस प्राइज में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था हेनरी दुनांत को जो जिनेवा के रहने वाले थे। एक और सेक्शन को इसमें ऐड किया गया था 1968 में बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये अवार्ड दिया जाता है इकोनॉमिक साइंसेस में। आइए हम देखते हैं ऐसी कंट्री जिन्होंने नोबेल प्राइज में जो है अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। तो जी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट में जो है यूएस टॉप पर है, जिन्हें अभी तक 2020 तक सबसे ज़्यादा 281 जो हैं नोबेल लॉरियट्स जो हैं दिए हैं। उसके बाद आता है यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। तो ये 8-9 जो देश हैं इन्होंने ही जो है नोबेल प्राइज़ में सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट हासिल की हैं। बाकी जो अदर्स आते हैं वो टोटल 43 जो है वो सारी अदर कंट्रीज जो मिला के आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डोमिनेंट कंट्री यूएस है वो सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरियट्स को पैदा कर रही है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2023 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स को जो है जीता है। तो ये हैं हमारे एनी पीरी एंड फ्रैंक क्रूज जिन्होंने अवार्ड जीता है फिजिक्स में। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की
को मेजर करने की कोशिश की है, उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं पिक्चर लेने की कोशिश की है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन को कभी भी देखा या उसे महसूस या एक जगह ठहरा हुआ देखा नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और वो बहुत ही हाई स्पीड पे मूव करता है। बट इन तीन साइंटिस्ट ने एक ऐसी शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट को जनरेट किया है। इस शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट से जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को और उसकी मूवमेंट को पहली बार मेजर करने की कोशिश की गई। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये जो शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट है ये बहुत ही कम समय के लिए जो है प्रोड्यूस होती है, और ये इसका जो टाइम साइकिल है वो सिर्फ ओटो सेकेंड में ही प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, हमने माइक्रो सेकेंड के बारे में सुना होगा, नैनो सेकेंड के बारे में सुना होगा, बट ये है ओटो सेकेंड, जो उनसे कहीं ज्यादा छोटी एक टाइम की यूनिट है। अगर हम बात करें कि ओटो सेकंड क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो एज ऑफ यूनिवर्स है, तो उसकी साइंटिस्ट ने जो यूनिवर्स की एज है वो बिलियंथ ऑफ बिलियंथ सेकंड्स मानी है, कि ये हमारी जो है ए यूनिवर्स की एज है। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते तो जो वैल्यू आएगी उसे हम 1 ओटो सेकंड बोलेंगे, यानी कि 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड इज 1 ओटो सेकंड। तो हाउ स्मॉल दिस यूनिट इज, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर एक हार्ट बीट को 1 सेकंड में अगर नापते हैं, तो 1/1 बिलियन ऑफ बिलियन जो है वो 1 सेकंड के जैसा माना जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म है किसी भी टाइम के मेजरमेंट के लिए, जिसे ओटो सेकंड कहा जाता है। तो इस वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो एक पल्स जनरेट की गई है लाइट की, और इस पल्स के हेल्प से ही जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश की गई है, और जिसके कारण इन तीन साइंटिस्ट को ये प्राइज जो है दिया गया है। जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर हम जानते हैं उसके बारे में, तो ये बहुत ही फास्ट मूव करता है और नियरली से इम्पॉसिबल होता है ऑब्जर्व करने के लिए इन अ रियल टाइम। आप इसको एक जगह पे कहीं पे भी रोक के नहीं देख सकते हो, क्योंकि इतना फास्ट मूविंग होता है। बट हुलियर, एगोस्टिनी और क्रोश ने इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, उन्होंने इस पर स्टडी की है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और ये कैसे किया, बाय प्रोड्यूसिंग द पल्सेस ऑफ लाइट जो कि कुछ ओटो सेकंड्स तक ही जो है एग्जिस्ट करती हैं, और ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ पल्स होती है लाइट की, जिसकी जो है वो मियाद होती है बहुत ही कम होती है, कुछ ओटो सेकंड्स तक ही होती है। तो इसे प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये जो रिक्वायरमेंट है, बट ये जो डेवलपमेंट है पल्स ऑफ लाइट की, इसके कारण जो है डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि आगे जाके हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूर आने वाले टाइम में हम देखेंगे। जो ओटो सेकेंड पल्सेस है, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट फ्लैशेज ऑफ लाइट होती है, और ये इसका जो यूज़ है हम जनरली फोटोनिक्स में करते हैं। फोटोनिक्स हमारी साइंस है ब्रांच की, जो कि लाइट वेव्स के साथ डील करती है। तो ओटो सेकंड्स को हम बहुत ही कम और शॉर्ट रेंज में जो है मेजर कर पाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन की मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसे अगर हम बोलना चाहें तो ये एक तरह से स्नैपशॉट है इलेक्ट्रॉन का, एक तरह से हम उसकी पोजीशन को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में जान सकते हैं, उसके शेप और साइज के बारे में जान सकते हैं, तो इसी पल्स ऑफ लाइट की हेल्प से क्या हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान सकते हैं, क्या हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान सकते हैं, क्या उनकी मिरर इमेजेस के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में भी जान सकते हैं। तो इसका आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला, बहुत ज़्यादा इसके यूजेस होने वाले हैं इस पल्स ऑफ लाइट की, जिसे हम ओटो सेकेंड्स बोलते हैं, कि स्केल पर जो काम करते हैं, इसका जो आने वाले टाइम में जो यूज़ है बहुत ज़्यादा होने वाला है। जी हाँ, इसके लिए बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की जरूरत होती है लेज़र साइंस और इंजीनियरिंग में। तो एक तरह से कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ लेज़र साइंस होती है, जिसमें इसे इन्वेंट किया गया। जो ह्यूलर हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये इफेक्ट को है जो है ऑब्जर्व किया था
जब उन्होंने लेजर लाइट को और जो एटम्स हैं, गैसियस एटम्स हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन को उन्होंने जब मेजर किया था, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इस इफेक्ट को, इस इंट्रैक्शन बिटवीन जो लेजर लाइट और एटम्स है उसके बीच में जो है मेजरमेंट की थी। इसके लिए उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट की पल्स को यूज किया गया किया था, जो कि फ्यू हंड्रेड ऑटो सेकेंड्स तक जो है एग्जिस्ट जिसने किया था। उसके बाद जो है अगस्तीनी और क्रोश ने भी अपने अपने टाइम पे, जैसे कि 2001 में अगस्तीनी ने जस्ट 250 ऑटो सेकंड्स तक के जो है एक पल्स जनरेट करने की कोशिश की थी विद अ वेरी यूनिक टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ रैबिट टेक्निक। उसके बाद क्रोश ने भी नियरली उसी टाइम में ही एक ऐसी ही पल्स जनरेट करने की कोशिश की जो कि 650 ऑटो सेकंड्स तक जो है रही थी। और इन सब की कॉम्बिनेशन के साथ ये है बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑफ ऑटो सेकंड्स की जो है पल्स ऑफ लाइट जो है जनरेट करने की कोशिश की गई थी। तो इससे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एप्लीकेशंस जो है आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत ही सारे फिजिकल फेनोमेनास को हम मेजर कर सकते हैं जो कि मोलिकुलर और एटॉमिक लेवल पे जिन्हें जांचना, जिन्हें मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके कारण एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जा सकती है, अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही बड़ा लीड रोल आने वाले फ्यूचर में जो है प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो इसकी यूज़ है बहुत ही यूनिक टेक्निक्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि डायग्नोजिंग द डिसऑर्डर्स इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो है पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, किस तरह से वर्क कर रहे हैं उसके बारे में भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। और इसमें जो कैंसर की डायग्नोजिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आने वाले समय में स्टूडेंट्स इसका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आने वाले टाइम के लिए। तो आइए आप करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फेमस नोबेल प्राइज अवार्ड? हाँ जी, तो कौन सा हेडक्वार्टर है जहाँ पे नोबेल प्राइज की सब जो है प्रोसीडिंग्स की जाती है? सो दैट इज योर स्वीडन। स्वीडन में कौन सी वो जगह है? तो स्वीडन में जगह है स्टॉकहोम। तो ऑप्शन में अगर स्वीडन आता है या स्टॉकहोम आता है तो दैट इज द राइट आंसर। इसके बाद एक और जगह है ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है। ये किस चीज़ के लिए है? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि नॉर्वे के ओस्लो में एक्चुअली कौन सा इवेंट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी नोबेल प्राइज वर अवॉर्डेड एनुअली अंटिल 1969? तो 1969 से पहले कितने अवार्ड जो है वो एनुअली दिए जाते थे? तो हम ये कर चुके हैं, तो आंसर इज बी, बी इज द राइट ऑप्शन, 5। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोबेल प्राइज टेक प्लेस? तो इसका आंसर भी हम कर चुके हैं, तो आंसर इज अगेन बी, दिसंबर 10, 1901। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन कन्फर्स द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? हाँ जी, तो कौन है जो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर करता है? दैट इज स्वीडिश अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डज द सेरेमोनियल प्रेजेंटेशन ऑफ नोबेल प्राइज टेक प्लेस? तो कौन सी सिटी है जहाँ पे नोबेल प्राइज प्रेजेंटेशन होता है? तो हाँ जी, इसका राइट ऑप्शन है ओस्लो। तो जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट था नॉर्वे में ओस्लो, तो वो किस लिए फेमस है? तो वो सेरेमोनियल रिप्रेजेंटेशन के लिए फेमस है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नोबेल फाउंडेशन? द पर्पस ऑफ द नोबेल फाउंडेशन इज द टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ एल्बर्ट नोबल विल एंड एडमिनिस्टर द हिज फंड। तो इसके फंड्स को उन लॉरियट्स को प्रदान करना और उनके अचीवमेंट्स को सबके सामने लाना जिन्होंने साइंस में या अदर फील्ड्स में कुछ बेहतरीन डेवलपमेंट्स किए हैं मैनकाइंड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी इंडिविजुअल्स आर इन्वाइटेड टू प्रपोज कैंडिडेट्स फॉर द नोबेल प्राइज? तो कितने इंडिविजुअल्स को इन्वाइट किया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज मोर देन 6,000 इंडिविजुअल्स को इन्वाइट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेन मस्ट प्राइज प्रपोजल बी सबमिटेड फॉर द नोबल कमिटीज टू कंसीडर? तो किस तारीख तक जो है हमें नोबल कमेटी को ये प्राइज जो है प्रपोजल सबमिट करना होता है? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एवरी ईयर 31 जनवरी तक या उससे पहले जो है हमें जो है प्रपोजल सबमिट करना होता है। वट इज द रोल ऑफ रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ द साइंस इन सिलेक्टिंग नोबल प्राइज रेसिपेंट्स? तो उनका क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें?
सो राइट ऑप्शन इज टू रिसीव रिकमेंडेशंस एंड सबमिट देम टू द अप्रोप्रिएट प्राइज अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द पीस प्राइज बी कन्फर्ड अपॉन अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स. तो इंडिविजुअल को छोड़ के, किसी पर्सन को छोड़ के और किनको ये जो है नोबेल प्राइज पीस प्राइज दिया जा सकता है, तो ये किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है. राइट ऑप्शन इज ए. नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द नोबेल प्राइज इन 2023 इन फिजिक्स. फिजिक्स में अभी हम डिस्कस करके आते हैं किसने नोबेल प्राइज जीता है. तो तीन साइंटिस्ट हैं, उनके नाम है एनी पीरी एंड फ्रैंक रोज. जी हाँ, यहाँ पे हम एक डी ऑप्शन भी देख सकते हैं. तो डी ऑप्शन किन के लिए है? एक्चुअली मोंगी लुइस एंड इलेक्सी ने विनर है वो नोबेल प्राइज के इन केमिस्ट्री 2023 में. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एवरीवन. इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एवरीवन.